डंडा करटना के विधि विधान को देखने और परखने से पता चलता है कि हमारे पूर्वज सत्यता की पूजा करते थे। डंडा करटना के शुभ चिन्ह अथवा आकृति को देखने से यह भी पता चलता है कि हमारे पुरखे अत्यंत बुद्धिमान थे, इसीलिए इतना बढ़िया और सुंदर धार्मिक कृति बनाए और विधि विधान बनाया। यह डंडा करटना के धार्मिक चिन्ह दिखने में भी काफी सुंदर लगता है। डंडा करटना से कुमेरुक बन्ना का प्रारूप को सृजन किया गया है। इसी धार्मिक चिन्ह जिसके कारण यह लिपि दिखने में भी काफी सुंदर और आकर्षक है, जिस प्रकार डंडा करटना महत्वपूर्ण है उसी प्रकार कुमेरुक बन्ना लिपि सर्वगुण और उत्तम है। यह लिपि इस वैज्ञानिक युग में खरा उतरती है और उच्च तकनीकी से परिपूर्ण है। कुमुक समाज में धार्मिक अनुष्ठान का विशेष स्थान है। इनमें डंडा कटना, पालकासना या भाग कटना धर्मेश की महिमा में संपन्न होता है। इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार दी गई है। डंडा कटना धर्म प्रक्रिया समस्त राव समाज में सृष्टि काल से ही चलता रहा है। हमारे पूर्वजों का मानना है कि इस डंडा कटना क्रिया कर्म का शुरुआत धर्मेश ईश्वर जी ने खुद किया और वह इसे कुमारुक लोगों को सिखलाया। धर्म से सृष्टि करता और सर्वशक्तिमान है, इसी कारण ईश्वर अथवा धर्मेश से निवेदन व प्रार्थना करते हैं कि संकट के समय शत्रुओं से उनकी रक्षा करें, बुरी नजरों और दुष्कर्म से रक्षा करें एवं परिवार का विकास हो, अन्न धन बढ़ोतरी हो, रोग एवं दुष्ट शक्तियों के प्रकोप से मुक्ति मिले, लोग सुख समृद्धि और शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं, इस कारण लोग धर्मेश की पूजा आराधना करते हैं। और कोई भी उत्सव तथा पारिवारिक कार्यक्रम व अन्य विधि विधान के पश्चात डंडा कटना अनुष्ठान को संपादन किया जाता है। दुख दूर करना, बुराई का नाश कर घर परिवार समाज में सुख शांति लाना, घर को पवित्र करना, इस धर्म प्रक्रिया के द्वारा संभावित दुर्घटनाओं को रोकना, हर बुराई से बचने के लिए सावधानी बरतने का संकेत मिलता है। डंडा कटना धार्मिक प्रक्रिया किसी भी दिन किसी जानकार व्यक्ति जैसे वाहन पुजारी के द्वारा अपने परिवार की सुख शांति के लिए व्यक्तिगत रूप से कराया जाता है। गौरतलब है कि यह पूजा जिसके परिवार या घर में होता है उस परिवार का गोत्र वाले पुजारी को पूजा करना वर्जित है, अर्थात जिस गोत्र में पूजा हो रहा होता है उस गोत्र को छोड़कर अन्य गोत्र वाले पुजारी इस डंडा कटना अनुष्ठान में पूजा कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य योजना बनाने के पूर्व कृषि खेत खलिहान गृह प्रवेश आदि अनेक शुभ अवसर में किया जाता है। प्रत्येक परिवार में पर्व त्योहार जन्म विवाह और मृत्यु संस्कार में भी संपन्न डंडा कटना पूजा अनुष्ठान की जाती है। कभी कभी पूरे गांव अथवा समाज के लिए सामूहिक तौर पर भील व्यापारी अथवा डंडा कटना किया जाता है। डंडा कटना पूजा अनुष्ठान में लगने वाली सामग्री इस प्रकार है। एक लोटा में पानी, अपन एक सूप, एक मुर्गी का अंडा, तीन मुट्ठी अड़वा चावल, सूप में 10-12 इंच भीलवा या केदू का डंडा एवं 7 टुकड़ा लगभग 1.5 इंच केदू अथवा साल डंडी, अड़वा चावल का गुंडा, चूल्हा का मिट्टी जो जला हुआ लाल हो और कोयला गुंडा आवटा, थोड़ा साल का पत्ता, भाग कटी अथवा पालकसना या डंडा कटना में लगने वाली सामग्री का अर्थ। अड़वा चावल का चूर्ण या गुंडी कर पाउड बनाया जाता है। ईश्वर द्वारा पवित्र माने जाने के कारण इसका उपयोग डंडा कटना या पालकसना में होता है। अड़वा चावल के सफेद रंग के चूर्ण से ही ईश्वर धर्मेश के नाम पर सबसे पहले डंडा कटना का शुभ चिन्ह आकृति बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा वृत्त लगभग 12 इंच 14 इंच का बनाया जाता है। उसके बाहरी किनारे भाग में 7 अर्धवृत्त बनाया जाता है। पूरी आकृति फूल के जैसा दिखता है। बाहरी वृत्त के अंदर बराबर अनुपात में 3 खड़ा तथा 3 आड़ा रेखाएं बनाई जाती है। अड़वा चावल से बना रानू की सफेद चूर्ण को भी चित्र बनाने के लिए उपयोग करते हैं।
चूल्हे की मिट्टी आग में ताप कर भूरा लाल हो जाती है, इसलिए इसे पवित्र समझा जाता है। पापियों और पापों का नाश करने के लिए धर्मेश ने अच्छा और पवित्र करने के लिए अग्नि सिर्फ तुम्हें मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इस भूरा लाल चूर्ण से सफेद चूर्ण से जोड़ बनाया गया आकृति के किनारे किनारे इस चूर्ण से भी रेखांकित करते हैं। कोयला चूर्ण का प्रयोग भूत बेताल बुरी नजर गुर्जर और काले कारनामों को रोकने के लिए व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि धर्मेश ने अग्नि वर्षा कर ऐसे पापियों का नाश कर दिया था। सभी पापी जलकर कोयला हो गए थे। पापियों के नाश के लिए ही कोयले काला चूर्ण से सफेद और लाल आकृति के समान ही वृत्त चित्र बनाते हैं। अंडा को सजीव माना जाता है क्योंकि उसके अंदर एक जीव निहित है। इसे बिना सिर्फ पैर का निर्मोद निर्मल बलि मानते हैं। इस धरने के प्रतीक मानकर सिर्फ धर्मेश ईश्वर के नाम पर ही चढ़ाया जाता है। डंडा कटरैना की आकृति चिन्ह के बीचों बीच एक मिट्टी अटवा चावल के ऊपर अंडा को रखा जाता है। अंडे के ऊपर फाड़े हुए वाय आकार का भेलवा कीरो डंडा या साल के दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में रखा जाता है। फाड़ी हुई वाय आकार को अंडे के ऊपर रखा जाता है। फाड़े हुए भेलवा दत्वन की तरह है। बुरे लोगों के आंखें फूटे और मुफाट लोगों के भूरे अभिशाप मिटाए, ऐसा लोगों का मानना है। भेलवा दत्वन के साथ फाड़े हुए टुकड़े सूप में एक एक या तीन मुट्ठी अड़वा चावल के साथ साथ भेलवा या साल डंडी दत्वन के साथ फाड़े गए टुकड़े रखे जाते हैं। इसकी लंबाई 1 इंच होती है। फाड़े हुए दत्वन के सातों टुकड़ों के साथ 3 मुट्ठी अड़वा चावल को सूप में रखकर पाहन पुजारी अपने हाथों से सूप में अपने हाथियों से रगड़ रगड़ कर प्रार्थना करता है और मंत्र जपता है। सभी कुल देवताओं का नाम लेकर पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण सभी ग्राम देवता सभी पूर्वजों को नाम लेकर प्रार्थना करता है। इन लकड़ी के टुकड़ों के आधार पर मनुष्यों के भाग्य को परखते हैं। भविष्य में होने वाली संभावित शुभ शुभ दुर्घटनाओं का संकेत मिलता है। ईश्वर का नाम लेकर एक मुट्ठी चावल के साथ साथ टुकड़ों को एक साथ सूप में ऊपर से गिराया जाता है। यदि सातों टुकड़े एक ही बार में एक ही तरफ चित होकर गिर जाए तो शुभ समझा जाता है। ये प्रक्रिया अधिक से अधिक 3 बार ही किया जाता है। 7 टुकड़े को थाली या कटोरी के स्वच्छ जल में भी डालकर भाग्य को परखते हैं। यदि इसमें भी सभी सातों टुकड़े चित हो जाएंगे पानी में तो शुभ माना जाता है। धर्मेश ईश्वर मनुष्य जाति की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, प्रलय के समय रक्षा की, मनुष्य को वंश बुद्धि का ज्ञान दिया और खेती बाड़ी जीवन यापन बतलाया, अंत में मनुष्य को सभी रोगों से मुक्ति दिलाया। शुद्ध मन से धर्मेश द्वारा बनाई गई कहानी कहने पर लोगों को अपने पापों से मुक्ति मिलती है। आदिवासी समाज की रूढ़ी पारंपरिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान डंडा किटना पालकासना या बेलवाफारी के शुभ चिन्ह की आकृतियों से ही कुकुरुक बन्ना लिपि के अक्षर का बनावट को बनाया गया है, जिसके कारण कुकुरुक आदिवासी समुदाय का पारंपरिक सांस्कृतिक मान्यताओं को पूरा करते हुए वैज्ञानिक युग की तकनीकी क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी हो गयी। कुकुरुक समाज में एक बालक जब जन्म लेता है उस समय का प्राकृतिक सामाजिक सांस्कृतिक घटनाक्रम में जिस प्रकार का ध्वनि और कुकुरुक बातें होती है उसके आधार पर कुकुरुक बन्ना का मूल वर्णमाला को बनाया गया है। परंतु हमारे कुकुरुक भाषी विभिन्न क्षेत्रों व प्रदेशों में रहते हैं एवं वहाँ के प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से लिखते पढ़ते हैं, जो कि उन भाषाओं की अधिकतम वर्णमाला देवनागरी के जैसे ही है। नहीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुकुरुक बन्ना लिपि का वर्णमाला को उसी प्रकार रखा गया है ताकि लोगों को स्मरण करने में सहायक हो। कुकुरुक बन्ना नामकरण के पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है।
बन्ना का अर्थ कुंदुक भाषा में पारंपरिक सांस्कृतिक आकृतियों या चित्रों को बन्ना कहते हैं। कुडुख आदिवासी समाज के लोग विभिन्न प्रकार की चित्र आकृतियाँ जो अपनी दैनिक जीवन में व्यवहार में लाते हैं, जैसे घरों की दीवारों पर अनेक प्रकार की आकृतियाँ, खेत खलिहानों में तथा मिट्टी और धातु के बर्तनों में अनेक प्रकार की पारंपरिक चित्र तथा रेखाएं बनाते हैं। उन आकृतियों को कुडुख भाषा से बन्ना कहते। इस लिपि का एक कंप्यूटर फॉन्ट विशेष तरीके से बनाया गया है, जो कि कुडुख समाज का सुप्रसिद्ध अना आदि मंजूर नाम अलका धार्मिक प्रार्थना को फॉन्ट के अंदर डाला गया है, जो बहुत सूक्ष्म है। यह फॉन्ट आध्यात्मिक ढंग से उपयोग करने के लिए बनाई गई है। एक अक्षर में एक पूरा प्रार्थना समाहित है। जितना अक्षर टाइप किया जाए उतना बार अना आदि प्रार्थना भी टाइप होगा, अर्थात सभी अक्षरों के अंदर में अना आदि प्रार्थना समाहित रहेगा। अक्षर के अंदर एक पूरा प्रार्थना समाहित हो, ऐसा अनोखा फॉन्ट दुनिया में कहीं भी नहीं बना होगा। कुडुख बन्ना लिपि दिखने में अति सुंदर होते हुए लिखने में भी सुविधाजनक है। यह सहज ग्राह्य है, इसे कम जगह में लिखा जा सकता है। बड़ा अक्षर के साथ साथ छोटा अक्षर भी बनाया गया है। छोटा अक्षर को क्वासिव लेटर भी कह सकते हैं। इसको हाथ से रफ्तार में लिखने के लिए विकसित किया गया है। चाहे तो बड़ा अक्षर से भी हाथ से कम समय में लिखा जा सकता है। यह लिपि कुडुख भाषा को विश्व में एक अलग पहचान दिलाने में सक्षम है। कुडुख बन्ना लिपि को पारंपरिक ढंग से कुडुख समाज के अंदर कुडुख बुढ़ा व्यवस्था और पारंपरिक जो खेड़पा अरापेलो एड़पा एवं कुडुख भाषा साहित्य विकास परिषद और ऑल उड़ीसा कुडुख बुढ़ा युवक संघ AOKPYS के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। कुडुख भाषा साहित्य विकास परिषद का मुख्यालय डाड़ा बढ़ा बाली जुड़ी उड़ीसा भारत में स्थित है। कुडुख बन्ना लिपि का अन्वेषक झारखंड निवासी श्री वासुदेव राम खलखोजी हैं। कुडुख बन्ना का कंप्यूटर वर्जन अर्थात कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर फॉन्ट का नाम को कुडुख समुदाय के 67 प्रकार की जो गोत्र अथवा टाइटल होता है उन सभी टाइटलों के नाम को रखा गया है। इसके बाद क्रमांक संख्या के अनुसार 283 नाम रखा गया है।
हैं।